नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूँ आपके साथ में रितु तोमर। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, यह संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। खुशी है कि इस अवसर पर आप सभी के बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश में जहां एक ओर न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, तो वहीं विधायिका जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान की इन दो धाराओं का यह संगम, यह संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। दो दिवसीय त्रिदेव मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर एक निजी मामला है, इसको पब्लिक बनाना ठीक नहीं। लेकिन अगर लाउड स्पीकर भड़काने वाला हो तो इस पर जरूर कार्रवाई करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लाउड स्पीकर से कोई छोटी सभा होती है तो यह लगना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रस्तावित दौरा जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से शुरू होने वाला, वहीं उनके दौरे को लेकर प्रभारी सचिव अवनीश कुमार शरण ने जिले का निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने प्रशासन की टीम के साथ हर उस जगह का निरीक्षण किया जहां मुख्यमंत्री के आने की संभावना। तीन राज्यों से सटे होने के कारण बलरामपुर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के समर्थकों की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें वे नगर निगम के कर्मचारियों के साथ विवाद कर रहे हैं। वीडियो में पूर्व मंत्री के सामने ही समर्थक कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। नगर निगम बांसखेड़ी में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था, जहां पूर्व मंत्री के समर्थक कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। शनिवार को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राजगढ़ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली और सभी विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग के कार्यों की जानकारी ली। मीडिया से चर्चा में मंत्री टेकाम ने बताया कि सभी विभाग के गतिविधियों की समीक्षा की गई। विभागों ने अच्छा काम किया है, प्रदेश में नंबर वन पर है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम का प्रदेश के सभी जिलों का अचूक दौरा होना है, जिसके मद्देनजर आज समीक्षा बैठक की गई, ताकि शासन की जो भी योजनाएं लंबित हो उसे सुधार या पूरा कर लिया जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चलाई जा रही मेडिकल मोबाइल यूनिट की टीम कोतवाली थाना परिसर पहुंची और इस दौरान कोतवाली थाना में पदस्थ सभी पुलिसकर्मियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। 24 घंटे अपनी सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए परिवार में समय देना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना की मोबाइल यूनिट कारगर साबित हो रही है। इस मोबाइल यूनिट में 41 प्रकार के निशुल्क जांच की जाती है और निशुल्क दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। हिंदू धर्म छोड़कर धर्मांतरण किए जनजाति समाज के लोगों के डिलिस्टिंग की मांग को लेकर झाबुआ में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 20,000 से अधिक लोगों ने शिरकत की। सभा के बाद झाबुआ के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जनजाति समाज के लोगों ने धर्मांतरण किए, आदिवासियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेचर हर्बल साइंस की डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी तरीके से विजयनगर क्षेत्र में एक कंपनी संचालित कर रहे थे।
क्राइम ब्रांच को दो अलग अलग लोगों से शिकायत धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी। क्राइम ब्रांच ने जब जांच शुरू की तो कंपनी का फर्जी मिला और क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक के लिए और इस दौरान मंत्री ने विभिन्न योजना की प्रगति रिपोर्ट ली और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जिला अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने जिला भर के लिए आई 32 नई संजीवनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद राज बहादुर सिंह और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल से आश्वासन मिलने के बाद मितानियों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और अब वे काम पर लौटने लगे हैं। मितानियों का यह प्रदर्शन विधायक गुलाब कमरो और विधायक यूरी बिंज ने धरना स्थल पर पहुंचकर खत्म कराया। मध्य प्रदेश में आगामी 2 से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है और इस क्रम में पन्ना में भी खेल और युवा कल्याण विभाग ने मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम के तहत 4 बेटियों को चयनित किया। ये सभी बेटियां महिला और बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना की 4 हितग्राही बालिकाएं हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाघा हुसैनीवाला के भ्रमण का अवसर मिला। शनिवार को ये सभी लड़के भ्रमण के लिए रवाना हुई जिन्हें कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित किया और उन्हें उनकी इस यात्रा के लिए बधाई दी। इंदौर के भावरा नगर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का एक अन्य साथी सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गया जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मामला भवर कुआ थाना क्षेत्र के भावना नगर का है और घटना में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अंबिकापुर के सीतापुर पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 15 किलो गांजा जब्त किया। आरोपी गांजा बेचने की फिराक में सीतापुर आ रहा था तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। एक बिना नंबर की बाइक भी बरामद। जबलपुर में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी। लोग धूप में निकलने से बच रहे हैं तो वहीं जिले में जल संकट की आहट भी शुरू हो गई है। कलेक्टर ने नलकूप खनन समेत बोरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर नगर पालिका और कलेक्टर कार्यालय के सामने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। उस दौरान करीब एक दर्जन दुकानों को एसडीएम तहसीलदार और प्रशासनिक अमले ने हटाने की मुहिम शुरू की। एसडीएम ने बताया कि शहर के कलेक्ट्रेट रोड पर एक दर्जन पक्की दुकानों का अवैध निर्माण कर लिया गया है जिसे हटाया गया। मौके पर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस सहित राजस्व अमला भी मौजूद रहा। खरगोन की आगामी स्थिति को लेकर जिला कलेक्टर ने बताया कि रविवार 1 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक छूट रहेगी और इस दौरान सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं इस दौरान जो लोग शादी समारोह में जाना चाहेंगे उन्हें छूट रहेगी और परीक्षा वाले विद्यार्थियों को पास जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहार को लेकर 2 और 3 मई को जिला में संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। जिले में महिला थाना प्रभारी रजनी चौहान महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान चला रही है जिसके तहत स्कूल में बच्चों को बताया गया कि बच्चों को कब कब पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। साथ ही बच्चों को पुलिस नंबर भी उपलब्ध कराए गए जिसके माध्यम से कभी भी मुसीबत पड़ने पर पुलिस से संपर्क किया जा सके। समाज में बेटियां सुरक्षित रहे जिसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
तनिश्री अमावस्या पर अघोरा के शनि मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कोरोना संक्रमण के कारण दो वर्ष बाद श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर पाबंदियां समाप्त की गई। शनि मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भीड़ देखने को मिली। नरसिंहपुर के गोटे गांव दत्त बंगला के पास स्टीयरिंग फेल होने से यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें तकरीबन 40 से 45 लोग घायल हो गए, जिसमें कई बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। सभी घायलों को गोटे गांव स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। कबीरधाम के पंडरिया वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों का झुंड देखा गया। हाथियों के झुंड की सूचना पर वन विभाग ने आसपास के गांवों में मुरादी कराई। वन विभाग की टीम ने लोगों को जंगल की तरफ न जाने पर चेतावनी दी, साथ ही हाथियों की निगरानी के लिए स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। हाथियों ने तेलियापानी गांव में 2 मकानों को नुकसान भी पहुंचाया। सुकमा में पिकअप वाहन और टिप्पर के आपसी भिड़ंत में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 यात्री घायल हो गए। खबर की सूचना पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने घायलों का रेस्क्यू किया और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामला पुसवाड़ा घाटी का। राजगढ़ जिले में भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत बढ़ी, ऐसे में बिजली कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के पसीने छुड़ा दिए। तो मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं होने से बिजली कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में लोड शेडिंग के नाम पर 10 से 12 घंटे की कटौती कर रही है, और इससे ग्रामीण इलाकों में लोग बेहाल हैं। अनूपपुर के बिजूरी रेलवे स्टेशन में आंदोलनकारियों ने कोयला का परिवहन रोक दिया है, और इस दौरान लोगों ने रेल की पटरियों पर बैठकर रेल यातायात बाधित कर दिया। वहीं पीपल चौक से रैली निकालकर रेल प्रबंधन विरोधी नारे लगाते हुए हनुमान मंदिर चौक आम सभा का आयोजन किया गया। आंदोलनकारियों की मांग है कि बंद की गई यात्री ट्रेन फिर शुरू की जाए। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने मकान से चोरी करने वाले 2 नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने 8 लाख रुपए से अधिक की सोने की ज्वेलरी और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार जब्त किए। वारदात के समय परिवार राजस्थान में खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। वहीं मामले में पुलिस ने ज्वेलरी खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी सह आरोपी बनाया। मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड के अचानक मार टाइगर रिजर्व से वन्य प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। बीते महीने में वहां पर हाथियों के कुंबे में एक नया नन्हा हाथी शामिल हो गया है। मादा हाथी ने एक बेबी हाथी को जन्म दिया है। नए मेहमान के आने से अब हाथियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। हाथी की संख्या बढ़ने से ATR प्रशासन भी बेहद खुश है। लगातार हाथियों के इस दल पर नजर रखने का काम किया जा रहा है। इंदौर के आकाशवाणी केंद्र से कई क्षेत्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, लेकिन अब इन कार्यक्रमों को बंद करने और कुछ ही कार्यक्रम को संचालित करने की बात हो रही है। आकाशवाणी स्थायी कर्मचारी डीजी मिश्रा ने बताया कि आकाशवाणी में काम कर रहे कर्मचारियों को अब सिर्फ महीने में 6 दिन ही नौकरी मिल पा रही है, जिससे कर्मचारियों के सामने घर परिवार चलाने की समस्या खड़ी हो गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जज गौतम चौरड़िया एक दिवसीय प्रवास पर सपत्नी बलरामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले अधिवक्ता संघ से मुलाकात की और कोर्ट का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान अधिवक्ता संघ ने राजपुर में एडीजे कोर्ट खोलने के लिए एक पत्र दिया, जिसमें गौतम चौरड़िया ने कहा कि इस संबंध में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात कर उन्हें इससे अवगत कराएंगे। धार शहर के इंदौर नाका स्थित मॉडल स्कूल में 22 छात्र फेल हो गए हैं, जिससे उनके होश उड़ गए और क्योंकि इन्हें बेहतर परीक्षा परिणाम की उम्मीद थी। इस कारण परिजनों के साथ स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन को अपनी परेशानी से अवगत कराया, साथ ही इस लापरवाही के लिए नाराजगी भी जताई। जबलपुर में जिला प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई जारी, जिसके तहत प्रशासन ने 12,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया।
तेमरगांव में स्कूल के लिए भूमि आवंटित की गई थी, जहां पर भूमाफिया ने बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया था, जिसको प्रशासन ने कार्रवाई कर कब्जा मुक्त कराया। छतरपुर आकाशवाणी को रिलीज सेंटर बनाए जाने से बुंदेलखंड के कलाकार, साहित्यकार और प्रस्तुतकर्ता में खासी नाराजगी देखी जा रही है। सरकार के इस कवायद को बुंदेली भाषा, संस्कृति और कला को खत्म करने जैसा बताया। आकाशवाणी छतरपुर को रिलीज सेंटर बनाए जाने के विरोध में कलाकारों और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में कलेक्टर पहुंचे। इसके विरोध में उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस निर्णय को वापस ले जाने की मांग की। इसके पहले भी एक ज्ञापन आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल के नाम भी सौंपा गया। प्रसार भारती 1 मई से आकाशवाणी छतरपुर को रिलीज सेंटर बनाए जाने का फरमान जारी किया गया। इसके तहत अब छतरपुर आकाशवाणी सिर्फ दर्शनीय स्थल बनकर रह जाएगी। इंदौर शहर के एक पब के सामने 4 युवक और 3 युवतियों का आपस में विवाद हो गया। एक युवक ने दूसरे युवक से मारपीट करते हुए चाकू मार दिया, घायल युवक को पिस्टल तार दी। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने पब संचालक को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखे गए पालने में एक मां अपनी नवजात बेटी को छोड़ गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने नवजात को उपचार के लिए शिशु वार्ड में भर्ती कराया। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसे मातृछाया संस्थान को सौंप दिया जाएगा, ताकि बच्ची का देखभाल अच्छे से हो सके। कोरबा चांपा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, जिसके बाद कार में सवार 2 लोग खिड़की तोड़कर बाहर आ गए। वहीं कार चालक तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं हादसे में घायल 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कार में सवार 3 युवक ढाबा में खाना खाने के लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाना टाइगर रिजर्व तहत अजगर के खोए तालाब से लगे बफर जोन के जंगलों में भीषण आग लग गई। इससे पेड़ पौधों के साथ अन्य प्राणियों और पशु पक्षियों के रहवास भी नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक विगत 1 सप्ताह से छिटपुट आगजनी की घटनाएं जंगल में देखी जा रही थी, जिन्हें बुझाना पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन के अधिकारी और कर्मचारियों ने जरूरी नहीं समझा। आपको बता दें कि रात के वक्त ये आग कोसों दूर से नजर आती है, क्योंकि रात भर में कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं। आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आ रहे हैं। देखिए शाहगंज पुलिस ने 7 लाख रुपए की गाड़ी के साथ 1 लाख रुपए 25,000 की अवैध शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक शामिल पुलिस ने रायसेन के रहने वाले 2 आरोपियों पर 34-2 की कार्रवाई कर मामला दर्ज किया है। एमपी छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी है। एमपी के कई जिलों तापमान 43 डिग्री के पार रहा। तापमान छतरपुर का नौगांव तीसरा सबसे गर्म शहर, नौगांव में तापमान 46 डिग्री के पार। मध्यप्रदेश की रातें भी गर्म होने लगी हैं। प्रदेश में इस सीजन पहली बार रायसेन और जबलपुर में रात का पारा 29 डिग्री के पार 30 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी ने अप्रैल महीने में नया रिकॉर्ड बना दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में 72 साल में दूसरी बार अप्रैल सबसे गर्म महीना रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक शहर में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 मई तक दिल्ली और पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 2 मई के बाद आगे बढ़ते पश्चिमी विक्षोभ के साथ पारा गिरने की उम्मीद है, जिसमें बारिश और गरज के साथ बुछारे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। ग्वालियर जिले में बढ़ा कोरोना संक्रमण, 11 नए कोरोना मरीज आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 2 दर्जन के पार। बाजारों में बढ़ती भीड़ और लापरवाही बन सकती है कोरोना संक्रमण का कारण। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,688 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 17,000 के पार हो गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1490 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 शख्स की मौत हो गई। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 624 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 2415 के पार हो गए।
गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 495 नए मामले सामने आए थे और 348 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। रूस और यूक्रेन जंग की जंग कच्छ 66वां दिन है और हमले की वजह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की ने कहा कि कीव क्षेत्र में करीब 900 लोगों की एक सामूहिक कब्र मिली है। कीव में 900 लोगों की सामूहिक कब्र। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की फौज अपने साथ यूक्रेन के करीब 5 लाख लोगों की जबरन रूस ले गई। रूस की सेना दक्षिण और पूर्व में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन यूक्रेन की सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जेलेंस्की ने कहा कि यूएन की मदद से जल्द ही मारियोपोल में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। महान टेनिस स्टार बोरिस बेकर को इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने के बाद 2.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर को 2.5 साल की जेल। बोरिस बेकर को दिवाली अधिनियम के तहत 4 आरोपों में दोषी ठहराया था जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण, कर्ज छुपाना और संपत्ति का खुलासा करने में विफल रहने के 2 मामले शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 7 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। रमजान के महीने में रिवीलिंग आउटफिट पहनने से लोगों ने नोरा को बुरी तरह ट्रोल किया। अपनी क्यूट हरकतों से बिग बॉस सीजन 13 में फेम पाने वाली शहनाज गिल ने भाई जॉन सलमान खान के फिल्म कभी खुशी कभी गम में हो सकती है शामिल। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में भी दोनों एक साथ आए थे नजर। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटिंग फिल्म राम सेतु जल्द सिनेमा घरों में होगी रिलीज। अक्षय ने राम सेतु से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीर में अक्षय के साथ जैकलिन भी नजर आ रही है। साथ ही खिलाड़ी कुमार ने रिलीज से जुड़ी तारीख का भी ऐलान किया है। शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुए अजय देवगन की रनवे 34 ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की। देश में फिल्म ने कमाए कई